नमस्कार दोस्तों, कुछ वेजिटेबल और फ्रूट में तीखेपन का कारण हम जानेंगे। सबसे पहले हम आंवला में देखते हैं। आंवले में जो कसालापन होता है वो टेनिन या गैलिक या इलोजिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट जो बादाम है, बादाम में जो कड़वाहट होता है वो इमाइलेडिन के कारण होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये जो नीम है, नीम जिसकी हम दातुन करते हैं, नीम में जो कड़वापन होता है वो निमिसिडिन या एजाट्रेक्टिन के कारण होता है, निमिसिडिन या एजाट्रेक्टिन। बेल में उसको जब हम काटते हैं या उसको पके हुए बेल को खाते हैं तो उसमें जो मतलब मैच्योर हो जाता है, यानी जो राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें लसलसाहट सी मतलब दिखाई देती है या कुछ पदार्थ निकलता है जिसे हम मार्मेलोप्सिन कहते हैं। इसके बाद पीपर, पीपर में जो कड़वाहट होती है वो ओलियो रेसिन के कारण होती है। और मिर्च है वो तीखा होता है आपका कैप्सिसिन के कारण। और सलजम है तो उसमें जो थोड़ी सी कह सकते हैं कसैलापन होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। और इसके बाद हम इसी क्रम में अगर हम देखें कि जो प्याज है, प्याज को जब हम काटते हैं, प्याज आप प्याज ले लीजिए, जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज से एक अम्ल निकलता है जिसको हम कहते हैं एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, जो हमारे आँखों में पड़ता है और उसके कारण अश्रु निकलते हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ और हैं, जैसे कि आप लहसुन, अगर लहसुन को आपने कुचल दिया है, अगर आपको आपने लहसुन को कुचल दिया है तो फिर उससे जो गंध आती है कुचले हुए लहसुन से वो एलिसिन के कारण होती है। और अगर बिना कुचला, यानी आपने केवल कुचला नहीं ऐसे ही खड़ा, अगर उससे आ रही है तो एलाइनेज के कारण आती है। और अगर आप ताज़ा लहसुन लिए हुए हैं, तुरंत हम अभी खुदाई करके लाए और तुरंत, तो वो जो लहसुन होता है वो एलाइल रेडिकल डाइसल्फाइड के कारण आता है गंध, ठीक है। और मूली में जब हम मूली खाते हैं तो कभी कभी जो है वो मूली का जो मतलब कसैला टाइप का लगता है तो वो जो है आइसोसाइनेट के कारण होता है। और करेला में जो कड़वाहट होती है ये वो मीमोडिकोसाइट के कारण होता है। तो ये कुछ जो है आप के सब्ज़ी और फ्रूट्स में कड़वाहट और लसलसाहट थी। इसी क्रम में अगर हम देखें तेल में चरपराहट, अगर आप सरसों का तेल देखते हैं और अगर हम उसकी पेराई कराने जाते हैं तो उससे कुछ मतलब अजीब सी कुछ ऐसा गंध वगैरह निकलता है जिसके कारण हम आँखों में मरे अश्रु आते हैं। तो उसका कारण है एक मतलब कह लीजिए, हम कह सकते हैं कि हमारे आँखों को वो जाके वहाँ पे थोड़ा सा कड़वाहट उत्पन्न करेगा। ग्लाइकोसाइड सिनिग्रिन होता है वो सरसों में, ग्लाइकोसाइड सिनिग्रिन। और अगर सूरजमुखी का आयल है तो ऑक्सीडेशन, अगर खेसारी है या कह सकते हैं तोरिया है तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण, ठीक है दोस्तों। तो ये कंपिटेटिव एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें जानना चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं उसमें कड़वाहट है या लसलसाहट है या तीखापन है, उसका कारण क्या होता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, गुड नाइट।